अमावस आई, जीवन में खुशियाँ है छाई, घर घर में छाई खुशहाली। घर घर घी के दीप जले हैं, द्वार पे बंधन वार लगे हैं, फूलों से सज घर और द्वारे, खुशियों में सारे सज रहे बाजार है सारे, भीड़ के हैं अद्भुत सी नजारे, कपड़े गहने लोग खरीदे, उपहार खरीदे, घर आंगन को लीप दे जाते, तोरण बंधन वार सजाते, बिजली की लड़ियां है लगाते, सब झूमते जाते। कार्तिक मास अमावस को आओ करे उजिया, आपस में हम बांट ले एक दूजे का प्यार, पावन दीपावली त्योहार खुशियां मनाता है संसार, पावन दीपावली खुशियाँ मनाता है संसार, पावन दीपावली त्योहार खुशियाँ मना रहा संसार, पावन दीपावली त्योहार खुशियाँ मना रहा संसार। क्यों दिवाली हम है मनाते, क्यों घर घर में दीप जलाते, क्यों मिल करके खुशी मनाते, बात बताऊं राम कथा मैं तुमको सुनाऊं, रामचंद्र से जुड़ी है गाथा, रामचरण में झुका लो माथा, रावण हाहाकार मचाए, धरती का भार बढ़ता जाए, श्री विष्णु की शरण में आई, हाहाकार मचाए, श्री हरि धर लो अवतारा, हर लो संकट प्रभु हमारा, विष्णु जी ढाढ़स बधवाए, रूप में अयोध्या, कौशल्या के गर्भ से प्रभु जन्म थे पार, धरती माँ से दिया अपना रघुवर वचन निभा, पावन दीपावली त्योहार खुशियाँ मनाता है संसार, पावन दीपावली त्योहार खुशियाँ मनाता है संसार। चरण धुलाए चरणामृत फिर सबने पाए, प्रभु को गंगा पार कराए, पंचवटी में आए, सुर्प नखा फिर वहाँ पे आए, लखन के हाथों नाक कटाए, बात ये रावण को बतलाए, रावण ने फिर युक्ति लगाई, मारिच को है मृग बनाया, सीता हरण वो करके लाया, राम प्रभु भक्तों अकुलाए, सीता खोज में वन को आए, हनुमान जी कांधे पर मिथिला करके लाए, फिर
शीशे रावण के काटे उसको मार न पाए। प्रभु ने अग्नि बाण चलाया, अमृत कलश था उसका सुखाया। वो पुष्प बरसाए, तरह तरह की भेंटें
का पूजन करते, फूलों से मंदिर सजवाते, आसन चौकी है सजवाते, गणेश का स्वागत करते, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते, चौमुखी दीपक है जलाते, धन से भरा कलश सजवाते, का त्योहार मनाए, दीप जलाए, पुष्प सजाए, चंदन तिलक लगाए, दीपावली का पर्व है, खुशियों की है बहार, सबसे पावन दुनिया में दीपावली त्योहार, पावन दीपावली त्योहार, खुशियां मनाता है संसार, पावन दीपावली खुशियां मनाता है संसार, पावन दीपावली त्योहार खुशियां मना रहा संसार, पावन दीपावली त्योहार खुशियां मना रहा संसार। हम दीपावली पूजन के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम दीपावली पूजन की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। कार्तिक मास में भक्तों अमावस्या जब जब आती है, धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है, घर की साफ सफाई कुछ दिन पहले की जाती है, क्योंकि स्वच्छता माँ लक्ष्मी को बड़ी ही भाती है, कहते हैं माँ लक्ष्मी इस दिन भक्तों के घर आए, उनके स्वागत में ही सब अपने घर दीप जलाए, श्री गणेश कभी करते हैं उनके संग आह्वान, देती है माँ लक्ष्मी भक्तों को अन्न धन का दान, श्रद्धा भाव से जो चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। भगवान कुबेर की पूजा भी तो इस दिन की जाए, क्योंकि धन का स्वामी तो इनको ही माना जाए, माँ लक्ष्मी जी का दूजा नाम चंचला कहते, पर भगवान कुबेर उनकी रक्षा में है रहते, भक्तों के घर आकर लक्ष्मी वापस ना जाए, इसीलिए भगवान कुबेर की पूजा की जाए, भोलेनाथ ने कोषाध्यक्ष इन्हें बनाया है, धन का स्वामी होने का वर उनसे ही पाया है, देवों का कोषा अध्यक्ष वो इन्हें बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। दीपावली की पूजन की एक है प्राचीन कथा, साहूकार एक किसी गांव में भक्तों रहता था। एक सुंदर सी कन्या ने उसके घर जन्म लिया, छा गई जिसके आने से उनके घर में खुशियाँ। साथ समय के जब कन्या बड़ी होती जाती है, भक्ति भजन में वो तो अपना ध्यान लगाती है। सुबह सवेरे उठकर करती नित्य नियम स्नान, घर में ज्योत जलाकर करती महालक्ष्मी का ध्यान। धीरे धीरे भक्तों यूं दिन बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। करके पूजा पाठ वो लोटा जल का लेकर जाती, रोज सुबह ही एक पीपल तो सींच के है आती। उस पीपल के वृक्ष पे ही माँ लक्ष्मी का था निवास, साहूकार की कन्या सींचने आती जिसके पास। सींचने का पीपल को उसका चलता रहा क्रम, माँ लक्ष्मी भी उस कन्या को देखती है हरदम। श्रद्धा भाव उस कन्या की माँ लक्ष्मी ने देखी, बनू सहेली इस कन्या की माता ने सोची। माँ लक्ष्मी के दर्शन एक दिन उसे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। कन्या रूप में माँ लक्ष्मी से उसका हुआ सामना, बोली माता कन्या से मुझे तेरी सहेली बनना। साहूकार की कन्या फैसला करना पाती है, माता लक्ष्मी से वो तो बस इतना कह पाती है। अपने पिता से पूछ के बहना मैं तो आऊंगी, तभी जवाब आपको कोई मैं दे पाऊंगी। अपने पिता को आकर उस लड़की ने बतलाया है, एक लड़की ने मेरी सहेली बनना चाहा है। ऐतराज ना उसके पिता कोई भी जताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न।
ली पलसी चन आई लड़की फिर जो अगले दिन। माता लक्ष्मी मिली है उनको वो ही कन्या बन। बोली आपके पिता आपसे क्या बोले बहना, साहूकार की लड़की बोली सहेली है बनना। माता लक्ष्मी बन गई है फिर उस लड़की की सहेली। बड़ी देर तक साथ में दोनों उस दिन है खेली। साहूकार की लड़की जब भी पीपल सींचने आए, अपनी सहेली के संग खेल के थोड़ी देर जाए। हंसी खुशी से दोनों के दिन बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माता लक्ष्मी एक दिन उस लड़की से लग कहने, चलो बहन तुमको ले चलती आज अपने घर में। साहूकार की लड़की मनाना उसको कर पाई, एक सहेली दूजी सहेली के घर में आई। माँ लक्ष्मी ने खूब किया है उसका तो सत्कार, घर में पूरे भरे हुए थे अन्न धन के भंडार। अनेकों ही पकवान माता ने उसके लिए बनाए, सोने की थाली में परोसे और प्रेम से खिलाए। माता पिता उसके सुन कर के खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। एक दिन माता लक्ष्मी ने फिर उस लड़की से कहा, कभी अपने भी घर में सहेली मुझको लियो बुला। सोचा लड़की ने क्या मैं भी इतना कर पाऊंगी, उसके जैसा भोजन तो मैं नहीं बना पाऊंगी। ना ही हमारे घर में थाली सोने चांदी की, उसके जैसा आदर तो ना मैं कभी कर सकती। अपने मन का हाल उसने पिता को बतलाया, बोली मेरी सहेली ने घर में आना चाहा। साहूकार अपनी पुत्री को ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। बोला बेटी क्या हुआ घर में जो धन इतना ना, मेहमानों का आता है सत्कार हमें करना। अच्छी तरह से कर लो अपने घर की साफ सफाई,
उन्हें बिठाने की खातिर एक चौकी भी मंगवाई। घी का दीपक तुम सत्कार में उसके जला देना, और स्वादिष्ट पकवानों में भी कोई कमी रहना। जैसा बताया साहूकार ने उसने वैसा किया, धन पर्याप्त नहीं था घर में किसकी थी चिंता। किंतु अपने घर में फिर भी उन्हें बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। उस दिन माँ लक्ष्मी ने ऐसी कृपा बरसाई, उड़ते उड़ते एक चील घर के ऊपर आई। एक रानी का नौलखा उस चील के मुंह में था, साहूकार के घर में जिसको चील ने दिया गिरा। निकल के आंगन में आया जैसे ही साहूकार, देखा पड़ा हुआ है उसने वो नौलखा तोहा। ऐसा हार पहनती है जो राजा की रानी, साहूकार ने करनी चाहिए ना कोई बेईमानी। अपने राजा के पास हार वो लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। कहने लगे राजा से मुझको एक ये हार मिला, किस पक्षी ने मेरे घर में तो शायद दिया गिरा। हाथ जोड़ कर राजा से ये बोला साहूकार, शायद महारानी का होगा राजन ये तोहार। ईमानदारी से राजा उसकी प्रसन्न है बड़े हुए, हार भी दे दिया उसको ही और हीरे मोती दिए। क्योंकि माता लक्ष्मी हो गई उन पर तो मेहरबान, एक ही दिन में साहूकार तो हुआ और धनवान। उस दिन घर में अपने घी का दीप जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। फिर लड़की ने माँ लक्ष्मी को घर में अपने बुलाया, चार बात का दीपक उनके आदर में है जलाया। चरण कमल की पहले तो लड़की ने पूजा की, बैठने के लिए बिछा दी है उनको सुंदर सी चौकी। अनेकों ही पकवान बनाकर उन्हें खिलाए हैं, पूरी उनकी हो गई अब तो सब आशाएं हैं।
जिस दिन माँ लक्ष्मी के उनके घर में चरण पड़े, साहूकार उस दिन से ही धनवान हुए बड़े। माता लक्ष्मी के गुण वो तो निश दिन गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माता लक्ष्मी जिन भक्तों पर कृपा बरसाए, अन धन के भंडार सदा उनके भरते जाए। दीपावली पूजन की भक्तों ये प्राचीन कथा, अनेकों वेद पुराणों में जिसका वर्णन मिलता। डीएस पालन कथा ये श्रद्धा भाव से गाई है, हंस राज रलहन जी ने कह कर लिखवाई है। माँ लक्ष्मी हम पर ये कृपा यूं ही बनी रहे, हाथ जोड़ कर फौजी सुरेश तो बस इतना ही कहे, कमी नहीं रहती जो आपकी कृपा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न, माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। दीपावली की कथा सुहानी है, ये लक्ष्मी गणेश दीपावली की कथा सुहानी है। कार्तिक मास अमावस्या के दिन ये त्योहार आता, दीपावली के दिन धरती पे आती माता। कार्तिक मास अमावस्या के दिन ये त्योहार आता, दीपावली के दिन धरती पे आती लक्ष्मी माता। वेद पुराणों में लिखी बात पुरानी है, वेद पुराणों में लिखी बात पुरानी है, ये लक्ष्मी गणेश दीपावली की कथा सुहानी है। दीपावली की कथा सुहानी है,
गणेश दीपावली की कथा सुहानी है। दूर पे पहुंची एक घर
सास बहू की लड़ाई। इस घर में भी ना जाऊं लक्ष्मी ने ठानी है, इस घर में भी ना जाऊं लक्ष्मी जी ने ठानी है। ये लक्ष्मी गणेश दीपावली की कथा सुहानी है, दीपावली की कथा सुहानी है।
रुकती नहीं जहां होती रोज लड़ाई। घर में लड़ना छोड़ो घर बरकत जो पानी है, घर में लड़ना छोड़ो अगर बरकत जो पानी है। ये लक्ष्मी गणेश दीपावली की कथा सुहानी है, क्यों कर है मना।
अवतार धराए। राम रूप में लिया अवतार, शुभ दीपावली का त्योहार। ओ पापी रावण को संघारा, धरती का सब भार उतारा। किया माने धरती का उद्धार, शुभ दीपावली का त्योहार। ओ लौट अयोध्या वापस आए, नगर निवासी खुशियां मनाए। सबके मन में हर्ष अपार, शुभ दीपावली का त्योहार। ओ कार्तिक मास अमावस काली, सबने घरों में करी दिवाली। राम बनाए, ओ नगर निवासी दीप जलाए। कथा मैं तुमको सुनाऊं, ओ आओ भक्तों मैं समझाऊं। रहता ओ माँ लक्ष्मी का भक्त परम था। ओ जड़ में लक्ष्मी रहे सुखदाती। सुन जाओ मेरी सखी तुम अब बन जाओ। पिता ने आज्ञा फिर दे दीन ही,
आठ बाट देखा चकराई। से मन था परसन बतलाओ। पिता से पूछ करूंगी विचार, शुभ दीपावली का त्योहार। ओ पिता ने मन की बात थी जानी, लक्ष्मी के स्वागत की ठानी। और सजा दिया सब घर द्वार, शुभ दीपावली का त्योहार। ओ छप्पन भोग कहाँ से आए, था सहारा। तब से मनाते यह त्योहार, शुभ दीपावली का त्योहार। ओ लक्ष्मी गणेश की चौकी सजाना, धाम से दिवाली मनाना। घर द्वारे को खूब
जाना। ओ मैया के रंगोली बनाना, बगिया भी खिलेगी।
लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जग
जगत जनन्यै नमो नमः। लक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। लक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। लक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। लक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। लक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। लक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। लक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। लक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। लक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः,
भुवन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः।